एवरीवन, दिस इज़ द क्वेश्चन बुकलेट ऑफ एचपी टेट मेडिकल। सो इसका हम साइकोलॉजी पार्ट को आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज़ टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर एंड मैनेज रिमेडियल स्टेप्स। देन नेक्स्ट आएगा, सबसे पहले एनकोडिंग करते हैं, देन स्टोर करते हैं, देन रिट्राइव करते हैं। ओके, देन इसके नेक्स्ट अलेक्सिया या डिसलेक्सिया, वो रिलेटेड टू द रीडिंग डिसेबिलिटी। मेथड ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। एक्सपेरिमेंटल मेथड, देन क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं डाइवर्जेंट थिंकर्स, देन इसका आएगा वंडर स्कोप जो है ऑल ऑफ द अबव। देन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर हैं विलियम वुंड। एंड देन आएगा अकॉर्डिंग टू पियाजेट, चिल्ड्रन आर एबल टू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड कंजर्वेशन। तो ये था सेंसरी मोटर स्टेज में जो 0 से 2 स्टार्ट होती है उसमें। स्किनर बहुत कॉन्ट्रीब्यूटेड इन विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, तो बिहेवियरिज्म। देन डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड स्लो प्रोसेस, ये दी थी स्किनर ने। देन इन विच स्टेज द इंटेंस एंड क्यूरिकल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस, सो दिस इज एडोलेसेंस। एंड मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बेल इज अ विच आर यूनिवर्सल इन नेचर इज मैनिफेस्टेशन। देन लॉज ऑफ लर्निंग दी है थ्रोनडाइक ने। देन ईगो इज गाइडेड बाय रियलिटी प्लेजर, जो इन कलर के मैंने टिक लगाए हुए हैं वही इसके आंसर हैं। या हु सेड टू चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटी, हरलॉक। देन प्रोजेक्ट मेथड जो है एडोलेसेंस में होता है, और ऑल ऑफ द अबव भी हो सकते हैं, क्योंकि हम छोटे से जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनको भी हम स्मॉल प्रोजेक्ट देते हैं। तो इसका जो है ऑफिशियल आंसर की में देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट दिया गया है। देन थर्स्टन एंड लाइकर्ट मेजरमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, एटीट्यूड। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ इवेलुएशन जो इसमें आएगा वो आएगा ऑल ऑफ द अबव। देन डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज मेनली अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, क्योंकि जो हमारी ब्रेन रिलेटेड होती है उसमें होती है ये। देन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो अडल्ट परफॉर्मेंस टेस्ट, वेस्टुलर अडल्ट परफॉर्मेंस टेस्ट। देन विच साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑन बेसिस ऑफ ट्रेड्स, एल्पोट। एंड नेक्स्ट आएगा अग्रेसिव कंडीशनिंग, एंड उसके नेक्स्ट आएगा अफेक्टिव काउंसलर की जो है करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये सारे ही होनी चाहिए, या इसका एम्पथी भी आ सकता है। देन इंटरफेरेंस इज डिफाइंड एज ओवरलैपिंग एंड डिस्टर्बेंस ऑफ डिफरेंट मेमोरी ट्रेसिस। देन इसके नेक्स्ट आएगा वॉटसन, देन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एरोन बैक ने दिया है। देन क्रिएटिव जो है वो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो है जो गार्डनर ने दी थी उसका पार्ट नहीं है क्रिएटिव। एंड लास्ट आएगा 55 to 70 माइल्ड होते हैं, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। तो ये थे 30 क्वेश्चन ऑफ साइकोलॉजी जो कि एचपी टेट मेडिकल के थे। सो इस क्वेश्चन पेपर में जो मुझे मिला था उससे मैंने आपको ये बता दिए हैं। सो आई होप आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच।